हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर यू चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं एंड्रॉयड डीसी फास्ट चार्जर। जो फ्रेंड्स, आप सोलर पैनल, क्या आपका जो कार बैटरीज होते हैं, क्या आपका जो बाइक का बैटरीज होते हैं, उसको यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से चार्ज दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रैवलर है तो एक गैजेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका फास्ट चार्जर मॉड्यूल और यहाँ पे 3.2 एम्पियर यहाँ पे आउटपुट है यहाँ पे आपको देगा, तो बहुत ही अच्छा करंट फ्लो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बहुत ही फास्टली आपका चार्जिंग होगा आपका मोबाइल पे। और यहाँ पे लिखा है एंड्रॉयड फास्ट डीसी चार्जर और पीछे आपका कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया है। और यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको ओवर चार्जिंग या शॉर्ट सर्किट जो प्रोडक्शन होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। और इसमें फ्रेंड्स आपको 5 वोल्ट 3.2 एम्पीयर का आउटपुट आपको मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से बॉक्स को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक यूएसबी केबल आपको दिया गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो यूएसबी केबल है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, यहाँ पे रैपिंग बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ फ्रेंड्स आपको ये डिवाइस मिल जाते हैं, उसके साथ यहाँ पे आपको दो क्लिप आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं VIP 3.2 एम्पीयर यहाँ पे लिखा है, 2 USB यहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट आपको मिल जाते हैं, जिसको यूज़ करके आप कॉन्स्टेंटली आपका मोबाइल को चार्ज दे सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे आपको 2 क्लिप आपको दे रहे हैं, जिसको आप बैटरी का जो कनेक्टर है वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्या सोलर पैनल का जो कनेक्टर है वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो डिवाइस फ्रेंड्स बहुत ही छोटा सा है। और उसके साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका यूएसबी केबल आपको मिल जाते हैं, माइक्रो यूएसबी जो केबल है वो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो रैपिंग है वायर के ऊपर, और इसका जो लेंथ है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मुझे लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैं सोलर पैनल के साथ टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 12 वोल्ट 10 वाट का एक सोलर पैनल मैंने लिया है, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ अभी नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक USB वोल्टेज टेस्टर है, तो इसको यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कितना वोल्टेज आ रहे हैं। 5.17 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, तो एम्पियर यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि कोई भी कनेक्टेड नहीं है कोई भी डिवाइस। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो USB पोर्ट है यहाँ पे लगा के भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे हैं 5.18 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट का यहाँ पे डिफरेंस हो रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और अभी यहाँ पे मोबाइल को चार्ज देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए चार्ज हो रहे हैं, यहाँ पे 60% यहाँ पे चार्ज है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप दोनों मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं दोनों मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स इसको मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ, जो मेरा घर पे जो इन्वर्टर बैटरी है उसको यहाँ पे कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक साइड का एक इन्वर्टर बैटरी है, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइट यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। USB सॉकेट का जगह पे लुक्स बहुत ही अच्छा यहाँ पे आ रहे हैं, एक ब्लू लाइट यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे USB वोल्टेज टेस्टर को लगाता हूँ और चेक करके देखता हूँ कितना वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 5.15 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं और दूसरा यहाँ पे USB पे आपका 5.16 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और अभी यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ मोबाइल को, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग हो रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना एम्पियर यहाँ पे आ रहे हैं, 1.29 एम्पियर यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे दे रहे हैं। तो करंट फ्लो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है यहाँ पे 1.29, मतलब बहुत ही फास्टली यहाँ पे चार्जिंग हो जाएगा। तो अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ये गैजेट बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका लिंक मैं मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं इसका प्राइस कितना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स मेरा अपकमिंग वीडियोज को अगर मिस करना नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, उसके पास जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर आपके साथ फिर से जुड़ूंगा एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए गुड बाय।